यूपी में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 80 सीट जीतने का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने मात्र यूपी में 33 सीटों पर ही काबिज हो पाई। वहीं इंडिया गठबंधन 45 सीटों पर काबिज हो पाई। अयोध्या जैसी हॉट सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। वहीं एनडीए व इंडिया गठबंधन के खेमे में मीटिंग का दौर जारी है। दोनों दल सरकार बनाने का दावा भी पेश कर रहे हैं। ये चीजें चुनावी नतीजों की समीक्षा करने के बाद तय होगा क्या कमी रही क्या नहीं रही, और जो कमी रही उन्हें दूर करेंगे। पर जो जनता का जनादेश है वो हमारे सिर माथे है, और भारतीय जनता पार्टी का जो काम जनता की सेवा करना है और आम जन तक लोग सुविधाओं को पहुंचाना, उनके दुख दर्द को समझना और सबका साथ सबका विकास का जो फार्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा। जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी और जो समीक्षा में खामियां दिखेंगी उन्हें दूर करने की कोशिश की। देखिए, सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए को पूरा बहुमत है, तो ऐसे में अगर कोई जोड़ तोड़ कर रहा है ये तो अपना करे, पर सबसे बड़ा गठबंधन है और पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने जनादेश दिया है, तो इसमें कहीं गुंजाइश कुछ बचती नहीं है। देखिए, क्या नहीं कहना चाहेंगे। देखिए, देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के घमंड को, उनके पाप के घड़े को चकनाचूर करने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, साथ साथ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एकजुट होकर के जो मोदी जी के तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है, और देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, इस संविधान के हित में, गरीबों, मजलूमों और रोजगार के लिए जो हमारे नेता ने लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो आज रिजल्ट आप लोगों के सामने नहीं क्या लग रहा का प्रश्न नहीं। आज देश के लिए, और जब देश की बात आती है तो हर देश का वो नागरिक देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। देश हित में हम वो सारे सांसदों को, सारे विपक्ष के नेताओं को या हमारी विचारधारा से मेल जोल रखने वालों को, वो सब देश हित में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का काम करेंगे। वो जयकरण वर्मा के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, देश हित में हर कोई अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को देने जा रहा है।